वो एडमिट कार्ड हम लोग डाउनलोड कर लिए और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद यहाँ QR कोड स्कैन कराते कर आपका नहीं हुआ, क्यों हम दिए हैं? QR स्कैन मोबाइल पे कर रहा है बट वहाँ पे नहीं कर रहा है। लेकिन सरकार ने चाहे NCT ने जो भी कुछ किया है वो हम लोगों के साथ नाइंसाफी किया है। बिल्कुल देखिए कैसे अव्यवस्था फैला के रखे हुए हैं। नमस्कार, मैं राजकमल और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। देखिए आज BPSC भर्ती परीक्षा का पहला दिन है, ऐसे में पूरे राज्य भर या यूं कहे कि पूरे देश भर से शिक्षक अभ्यर्थी आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये पटना का BN कॉलेज है। आप देखिए किस तरीके से भीड़ है, अंदर जाने की होड़ मची हुई है। बस कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। आपको बता दें कि एग्जाम से 2 घंटे पहले अंदर जाना था, जिसको लेकर के होड़ मची हुई है। कहा जा रहा है अभ्यर्थियों द्वारा कि स्कैनर मशीन ही काम नहीं कर रही है। देख सकते हैं आप कैसा भीड़ है। अभ्यर्थी अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं कि हम कब अंदर जाएँ, कहीं परीक्षा छूट ना जाए। ऐसे में कुछ अभ्यर्थी बाहर हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि कहाँ से आए हैं, कितनी तैयारी है, भीड़ को देख करके क्या कहेंगे, सरकार से मांग क्या है, कहाँ से आए हैं? हम मुजफ्फरपुर जिले से आए हैं। अच्छा, कितनी तैयारी है? तैयारी बस ठीक ठाक है। तैयारी क्या होगा, एक तरफ सरकार परीक्षा ले रही है और एक तरफ उधर स्टेट का फॉर्म भरवा रही है, और 24 तो एग्जाम है और 23 तक स्टेट का डेट समाप्त कर रहे हैं। तो बच्चा यूनिवर्सिटी दौड़ेगा कि परीक्षा की तैयारी करेगा कि BPSC देने आएगा कि डॉक्यूमेंट निकालेगा, करे तो क्या करेगा स्टूडेंट? जारी कर देता है, जैसे कि एडमिट कार्ड जारी सरकार ने कर दिया, वो एडमिट कार्ड हम लोग डाउनलोड कर लिए और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद यहाँ QR कोड स्कैन कराते कर आपका नहीं हुआ, क्यों हम दिए हैं? हम नहीं ना दिया QR कोड। परीक्षा आपका छूट जाएगा तो जिम्मेवारी कौन लेगा? वही ना कर रहे, बार बार कर रहा है कि दूसरा प्रिंट ला रहे, तो भाई बार बार तो यही निकलेगा तो दूसरा प्रिंट कहाँ से हम देंगे? QR कर रहा है आपका नहीं लिया, आपका नहीं लिया। हम लोगों को भी है सर। अच्छा, हम लोगों को भी है। कहाँ से आए हैं? हम लोग शिवहर जिला से आए हैं। कहाँ से? शिवहर जिला से। आपका भी QR स्कैन काम नहीं? QR स्कैन मोबाइल पे कर रहा है बट वहाँ पे नहीं कर रहा है। तो क्या लगता है एग्जाम छूट जाएगा तो? एग्जाम छूट जाएगा, जिम्मेवारी लेगा BPSC या राज्य सरकार होगी। अच्छा, देखिए आप देख सकते हैं कि कैसे मतलब कि QR कोड की तो व्यवस्था की गई है लेकिन QR कोड काम ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे भारी संख्या में अभ्यर्थी हैं। कहा गया था कि 1.5 घंटे पहले कॉलेज को बंद कर दिया जाएगा, गेट को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन जब भीड़ इतनी है कि लग रहा है कि जाने के लिए अंदर होड़ मची हुई है, बहुत भीड़ है। आप देख सकते हैं पुख्ता इंतजाम भी किया गया है, CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं, अंदर जैमर भी लगाया गया है। आप मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं, मोबाइल पर पूरा प्रतिबंध है। सुरक्षा व्यवस्था इतना टाइट है कि यहाँ पे एक परिंदे भी पर नहीं मार सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे मतलब कि एकदम पूरा लगा हुआ है। लोगों की शिकायत भी है कि कुछ काम नहीं कर रहा है चीज़ें। अंदर जो भी लोग हैं उनसे बात हम एक बार और करेंगे कि क्या दिक्कत है, क्या नहीं है। कहाँ से आए हैं? हम समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। अच्छा, तो अंदर जाने के लिए आप लाइन में खड़े हैं? हाँ, खड़े हैं। अच्छा, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं? निश्चित रूप से कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या लगता है कितनी तैयारी करके आए हैं? तैयारी तो लगभग ठीक ही है। अच्छा, लेकिन सरकार ने चाहे NCT ने जो भी कुछ किया है वो हम लोगों के साथ नाइंसाफी किया है। मतलब सरकार से नाराजगी है? सरकार से भी नाराज है। हाँ, नाराज तो है ही। चलिए, और भी कई लोग हैं उनसे हम बात करेंगे, बातचीत में जानेंगे कि कहाँ से आए, कहाँ से आए। मधुबनी से हैं। अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं अंदर जाने। बिल्कुल देखिए कैसे अव्यवस्था फैला के रखे हुए हैं। अच्छा, देखिए आप इनकी भी शिकायत है कि कैसे भीड़ है, कैसे अव्यवस्था है। हालांकि अब देखते हैं कि कब तक ये सब सही हो पाता है। हालांकि अभ्यर्थी अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल आगे की अपडेट हम आपको देते रहेंगे, तब तक बने रहें मीडिया दर्शन के साथ। अगर ये खबर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर ये खबर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।